हैदराबाद शहर के लोअर टैंकबंड में वाकई एक फंक्शन हॉल में तेलंगाना के साबिक वजीर दाखिला नाइनी नरसिम्हा रेड्डी की बरसी तकरीब का इनका दबल में आया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने साबिक वजीर दाखिला अंजानी नाइनी नरसिम्हा रेड्डी की तस्वीर पर गुलाए अकीदत पेश किए। बाद अजम वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए अंजानी नरसिम्हा रेड्डी की सियासी खिदमात को भरपूर खराज पेश किया। बरसी तकरीब में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, जनरल सेक्रेटरी टीआरएस ग्रेटर हैदराबाद और इंचार्ज हल्के असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुझे बहुत अगर नरसिम्हा के साथ ध्यान अगर हुआ तो मेरे बड़े भाई गुजरने पर या मेरे खानदान के फर्द अहम फर्द गुजरने पर जितना कम होता है उससे ज़्यादा कम हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे 2001 से आशीर्वाद किया। ऐसे लीडर हमारे वेंकट साहब मेरे साथ, ऐसे लीडर बहुत दुनिया में कम पैदा होते हैं। नरसिम्हा के साथ शुरू से गरीबों के लीडर, उन्होंने पुराने शहर से तालुक रखा और हमेशा वो गरीबों की मदद करते थे। मैं जब तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, मैं जिंदगी में कभी भी नरसिम्हा रेड्डी साहब की गाड़ी पीछे आ रही मैं शुरू कर देता था। मुझे खूब कहते थे आप होम मिनिस्टर आगे चलिए, नहीं साहब आपके आगे हमारी गाड़ी नहीं जा सकती साहब, आप पहले साहब में आइए। मैं गाड़ी स्लो तीन तीन बार फोन करते थे, मैं कहा साहब हमारे पिता साहब आ रहे हैं, आप हमारे मान लीडर हैं, आपके आगे हम नहीं रह सकते, चाहे होगा कुछ भी हो और आपकी इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है। लीडर तो बहुत होते हैं, मैं तेलंगाना राष्ट्र समिति को बहुत ऑक्सीजन देने वाले, बहुत मेहनत करने वाले, हैदराबाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी को आगे बढ़ाने वाले कोई लीडर रहते तो वो नायक नरसिम्हा के साथ हमेशा तमाम लीडरों को पैदा उठाते तो हम नरसिम्हा के पीछे चले जाते थे, तो हमेशा हमको बचाते थे। जब तक उनसे मिलता था मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने बड़े भाई से मिल रहा हूँ, हमेशा पर बहुत आशीर्वाद दिए और तेलंगाना लाने में यकीन हमारे चीफ मिनिस्टर। नाज़रीन हमारे टीटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें, और किसी एडवर्टाइजमेंट से मुतालिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9550102020।